सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा कि इतना लेट क्यों मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को 3 मंथ्स तो हुआ रहेगा। और पिछला जो मेरा वीडियो था वो एक्टिवा के ऊपर था, जो लास्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है होंडा डियो के ऊपर, मतलब मेरे ही डियो पे होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है, हम जब भी स्कूटी चलाते हैं तभी पीछे से हमें बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। तो झटके लगने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो होता है पीछे का जो शॉकअप होता है, वो शॉकअप भी गया हुआ रहता है, और एक बूस्ट रहता है शॉकअप का, वो भी गया रहता है, इसके वजह से भी झटके लगते हैं। और सेकंड जो है वो है इंजन के बूस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ दिखाने वाला हूँ, मेरे शॉकअप का हालत कैसा है और इंजन के बूस्ट का हालत कैसा है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है डीओ के ऊपर, या शॉकअप का बूस्ट गया हुआ है या फिर इंजन का बूस्ट गया हुआ है। तो इंटर की वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू कर दे। तो ये मेरा पीछे का शॉकअप है जो कि अच्छा है, और पीछे का आप देख सकते हो नीचे बूस्ट है वो भी अच्छा है, और ये आगे का इंजन का बूस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हो साइड से कितना स्क्रैच आ गया, मतलब पूरा फट ही चुका है ये। मैं आपको इसको हिला के भी दिखाता हूँ, इस बोल्ट को, तो देख सकते हो आप लोग कि बोल्ट कैसा हिल रहा है अंदर से। साइड से मैं अगर इसको और लेट करता तो लेफ्ट साइड से जो मेरा इंजन है वो पूरा नीचे आ जाता, और ये जो बोल्ट है वो तो कट जाता, क्योंकि इस दोनों बूस्ट और बोल्ट के सपोर्ट पे इंजन है। अभी हम लोग इस नट को निकाल देंगे। सो नट हम लोग ने निकाल लिया, अभी हम लोग इस बोल्ट को भी निकाल लेंगे। उसके पहले हम लोग शॉकअप का जो बोल्ट है वो निकाल देंगे, इसको लूज़ कर देंगे हम लोग। तो हम लोग ने शॉकअप का जो बोल्ट है वो निकाल दिया है। तो अभी हम लोग जैक का सपोर्ट लेंगे और इस गाड़ी को थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि बोल्ट ईजीली हम लोग निकाल सके। तो देख सकते हो हम लोग ने बोल्ट निकाल लिया है। सो बोल्ट हम लोग ने निकाल लिया। अभी हम लोग जो बूश है वो भी निकालेंगे। बूश कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो रिस्की होता है और मैकेनिक अपने खुद के रिस्क पे वो निकालते हैं। तो हम लोग जैक के मदद से उसको और थोड़ा सपोर्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर लेंगे, और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये बूश की हालत कैसी है। तो ये तो देख सकते हैं आप लोग, ये पुराना वाला बूश है। और ये नया वाला है जो कि 7 साल के बाद मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो हम लोग अभी नया वाला इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें राइट साइड का हम लोग पहले लगा रहे हैं। और राइट साइड का लगाने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड का आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड का जो बूश है वो पूरा फट चुका है अंदर से, वो लेफ्ट साइड का हम लोग ने लगा दिया नया वाला। सो फाइनली सब कुछ हो गया, अभी हम लोग बोल्ट को ग्रीस लगा के उसको भी लगा देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वाले, देख सकते हैं आप लोग कि कितने ख़राब हो चुके, और अगर ज़्यादा लेट होता तो शायद से इंजन नीचे ही आ जाता, देख पा रहे हो आप लोग। सो हम लोग ने नट लगा दिया यहाँ पे, तो दोनों चीज़ें हम लोग ने लगा दिया, टाइट कर दिया। अभी पीछे का भी हम लोग शॉकअप का बोल्ट लगा देंगे। सो फाइनली हम लोग का काम पूरा हो गया। तो आप लोग ने देख लिया वीडियो कि इसमें क्या रीज़न था जिसके वजह से मुझे ज़्यादा झटके लग रहे थे, वो था इंजन के बूस्ट। मेरे जो शॉकअप थे वो पूरे अच्छे थे, शॉकअप भी अच्छा था, और शॉकअप का बूस्ट होता है वो भी अच्छा था। तो इंजन के दोनों बूस्ट मेरे ख़राब हो गए थे, दोनों भी नहीं बोल सकता, एक ही ख़राब हो गया था जो कि स्क्रैचेस था, वो आई थिंक आप लोगों को वीडियो में दिखा रहेगा। तो देखो कैसे, अभी मैंने चेंज दोनों ही कर दिए जो इंजन के बूस्ट होते हैं। अगर मैं एक चेंज करता और एक ऐसे ही रखता तो आगे जाके वो भी ख़राब होता, वो भी मुझे चेंज करना पड़ता। तो मैंने दोनों ही चेंज कर दिए, वो ज़्यादा इतने महंगे भी नहीं थे, 45 रुपीज़ का एक था, वो भी ओरिजिनल था होंडा का। आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका गाड़ी का एक पार्ट ख़राब होता है और एक पार्ट अच्छा है, तो ये मत देखो कि ये तो अच्छा है, इसको हम लोग ख़राब होने के बाद इसको चेंज करेंगे। आगे जाके इसका भी खर्चा उतना ही होने वाला जितना एक पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर एक चीज़ नहीं डाल रहे हो तो दूसरी चीज़ भी नहीं डाला करो,
अगर दोनों चीज़ नहीं डालोगे तो आपका जो गाड़ी स्कूटी का परफॉर्मेंस होता है ना वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया रहेगा कि आपके स्कूटी में झटके लगने का जो रीज़न होता है वो क्या था, जो कि मैंने आपको इस बताया वीडियो में। और अभी सेकेंड चीज़ आती है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियोज़ लेट क्यों आ रहे हैं, तो मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का वर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे रहता तो कैसा घर पे रहते तो कैसा वो टाइम एडजस्ट होता है, अभी कैसा मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे टाइम वो एडजस्ट नहीं होता है। इसके लिए मेरे वीडियोज़ बहुत लेट आते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जाता हूँ वो इवनिंग में मैं घर पर आता हूँ, और पूरा थका हुआ रहता हूँ तो उस थके हुए सिचुएशन में मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, वीडियोज़ लेट आ रहे हैं। उसके लिए मैं आप सब लोग को सॉरी बोलता हूँ, और जो मुझे इतना देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे इस वीडियो को सब देख रहे हैं, उनके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। और मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि मैं वीक में एक दो वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो मेरा जो देखते हो ना वो पूरा देखा करो, बीच में स्किप मत करो, या फिर हाँ चलो आपको एक बार समझ में आया कि ऐसा ऐसा है, चलो ठीक है मैं गैरेज पे जाऊंगा ये सब करूंगा। इसके लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कमेंट रीड करता हूँ ना तो कमेंट में मुझे क्वेश्चंस ऐसे दिखते, तो वो लोग पूछते हैं कि ये पार्ट का प्राइस कितना है, फिर पूछते हैं कि मेरे स्कूटी का भी यही सेम प्रॉब्लम है, फिर मैं क्या करूँ। तो मैं इन लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, एंड तक देखो, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पार्ट कितने का है और प्रॉब्लम जो आपकी स्कूटी में है जैसा मैं आपको दिखाता हूँ तो इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग। आई होप आप लोग के आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में बता देना अगर आपके स्कूटी में कोई भी इशू होना कि इस टॉपिक पे वीडियो बना तो उस टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।